आज हम सिंपल ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। उसके लिए आप एक ट्राउज़र खोलें और पाँचों बेल्ट के हिसाब से इजाफी कपड़े छोड़ दें। फिर उसी ट्राउज़र को कपड़े के ऊपर बिछाएं और कटिंग कर लें। लेकिन सिलाई और मज़ीद कटिंग के लिए आप थोड़े से इजाफी कपड़े छोड़ दें। अब हम इस कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं और साइड पर रख लेते हैं। फिर एक दूसरे कपड़े में हम एक लंबी सी पट्टी काटेंगे पांचे के हिसाब से। जितना मैंने पांचे का कपड़ा है बिल्कुल उसी हिसाब से उतने आपने लंबाई में दो पट्टियां काट लेनी है बिल्कुल सीधी। देखिए अब यहाँ से मैं कट कर रही हूँ, जितना पांचा है बिल्कुल उसी हिसाब से मैं कटिंग कर रही हूँ। कपड़े की चौड़ाई आप पर है कि आप कितनी चौड़ाई रखते हैं। मैं कम से कम 3 से 4 उंगलियों के हिसाब से कपड़ा काट रही हूँ। कपड़े को बिल्कुल एक ही लेंथ में काटने के लिए आप एक साइड पर छोटा सा कट लगाएं और उसको डबल फोल्ड करके फिर उसी हिसाब से काट लें। तो इस तरह से आपकी जो दोनों पट्टियाँ वो बिल्कुल सेम लेंथ में बिल्कुल सेम चौड़ाई में एक जैसी कट जाएंगी। देखिए ये बिल्कुल सेम परफेक्ट कट गई है। अब जो एक्स्ट्रा साइड पर कपड़ा बच चुका है इसे हम डिज़ाइन के लिए समोसे काटेंगे। आपके पास अगर इंच टेप नहीं है तो मैंने कि चौड़ाई में मैं 4 उंगलियाँ और फिर लंबाई में मैं 3 उंगलियों के हिसाब से इसी कटिंग करूँगी। अब ये जो कपड़ा बच गए इसको मैं डबल कर लूँगी ताकि हमारा ज़्यादातर कपड़ा बच जाए, इजाफी कपड़ा हमारा ना लगे और कपड़े की बचत भी हो। तो अब देखिए लंबाई में 3 उंगलियाँ ही रख रही हूँ, 4 उंगलियाँ मैंने चौड़ाई रखी है, 3 उंगलियाँ मैं लंबाई रख रही हूँ और उसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। अब मैं इस कपड़े को काट रही हूँ बिल्कुल सेम लेंथ में सेम साइज़ में। अब सारे कपड़े को इसी तरह पे काट लें। अब इस कपड़े को हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। आप इस बात का ध्यान रखें कि लेंथ वेट में आपका कपड़ा बिल्कुल सेम आए, लंबाई चौड़ाई में फ़र्क बिल्कुल भी ना आए। अब देखिए कपड़ा कम रह गए तो इसको हम हटा लेते हैं, जो बाकी कपड़े रह गए इसे हम कपड़ा छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। अब देखिए इस कपड़े को मैंने काट लिया, इसको हम हेड से भी फोल्ड कर लेंगे और साइड से भी इसकी फोल्डिंग हम कर लेंगे। आप इस बात का ध्यान रखें कि फोल्डिंग आप बिल्कुल बीच में रखें, एक साइड पर या दूसरी साइड पर ना हो। कॉर्नर्स भी इसके बिल्कुल सेम होने चाहिए और हेड पर भी ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, स्पेस बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब इसको मैं प्रेस कर लेती हूँ। इसी तरह आप सारे कपड़ों को प्रेस कर लें। देखिए इनको मैंने प्रेस कर लिए। अब इसको मैं एक साइड से भी फोल्ड कर लेती हूँ और मैं इसको दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लेती हूँ और इसको हम दोबारा से प्रेस कर लेंगे। इसी तरह से आपने सारे समोसों को बना लेना है और प्रेस कर लेना है। अब जो हमने इजाफी कपड़ा काट के रखा हुआ था इनकी हम इसी कपड़े पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने इस तरह से लगानी है कि इसका बेस नीचे की तरफ आए और हेड जो है वो कपड़े के ऊपर ही आ जाए। इनको आपने बिल्कुल एक ही लेवल पर रखना है, बीच में जगह भी नहीं छोड़नी और ऊपर भी ये एक ही लेवल पर आने चाहिए, ऊपर नीचे बिल्कुल भी ना हो और ना ही इनके बीच कोई स्पेस रहना चाहिए। ये देखिए इसी तरह से आपने बिल्कुल एक ही लेवल पर इसको सिलाई कर लेना है। अब इसकी हम सिलाई कर लेते हैं इसी कपड़े पर जो हमने इजाफी काट के रखा हुआ था। सिलाई लगाते वक्त भी आप ख्याल रखें कि ये बिल्कुल एक ही लेवल पर आए, ऊपर नीचे बिल्कुल भी ना हो।
साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि इसकी फोल्डिंग एक ही साइड पर होनी चाहिए, ये ना हो कि आप कुछ कपड़े को एक साइड पर फोल्ड कर ले, कुछ को दूसरे साइड पर फोल्ड कर ले। आपने बिल्कुल एक ही साइड पर इसको फोल्ड करना है। सिलाई लगाते वक्त भी आप ख्याल रखें कि ऊपर नीचे ना हो, एक ही लेवल पर आ जाए और ना ही इनके बीच कोई स्पेस रहे। आप देखिए ये किस तरह बिल्कुल एक ही लेवल पर आ रहे, इसी तरह से बिल्कुल आपने भी इसकी सिलाई कर लेनी है। ये देखिए बिल्कुल एक ही लेवल पर आ चुके हैं हमारे पास। अब इसी की सिलाई हम पांचे पर लगाएंगे। पांचे पर आपने सिलाई इस तरह लगानी है कि समुद्र जो टाइप डिज़ाइन है उसको नीचे की तरफ रख लेना है, और जो सिंपल प्लेन कपड़ा है उसको हम ऊपर ही रखेंगे, उसी पर हम सिलाई लगाएंगे। लेकिन ये बात याद रखें कि जो सिलाई आपने पहले लगाई हुई है उससे तकरीबन 1 इंच ऊपर आपने सिलाई करनी है, बिल्कुल इसी के ऊपर सिलाई नहीं करनी। इसकी वजह यही कि अगर कोई रफनेस रह गई है तो वो इसी दूसरी सिलाई में ही ख़त्म हो। बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई आप इसकी कर लें। अब देखिए इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो ये जो हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है ये नीचे की तरफ आ जाएगा, और ये जो हमने फोल्डिंग की हुई थी ये भी ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा। हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा था आप ट्राउज़र को पलट लें, पांचे को ऑपोजिट साइड से आप चाहे तो तरपाई भी कर सकते हैं और मशीन की मदद से भी इस पर सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने तरपाई की हुई है, मशीन से मैंने सिलाई नहीं लगाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए मैंने इस पर तरपाई कर ली है। अब ये जो डिज़ाइन बन गए देखिए ये बिल्कुल सिंपल भी अच्छे लग रहे हैं, और ये बिल्कुल एक ही लेवल पर आए, ऊपर नीचे नहीं आए। लेकिन अब हम इस पर बीड्स लगाएंगे बिल्कुल उसी कलर में जिस कलर पर इस ट्राउज़र पर टेप हुआ। तो इस मोतियों के इन पल्स को आपने बिल्कुल बीच में रखना है, ऊपर नीचे आपने इनको नहीं लगाना। अब हाँ चले हम इनकी सिलाई करते हैं। आप अगर मोती की सिलाई लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे तो भी ठीक है, लेकिन अगर मोती आप लगा रहे हैं तो आपने मोती की डबल सिलाई कर ली ताकि ये मोती एक साइड पर दूसरी साइड पर ना, और जब आप सिलाई एक जगह से दूसरी जगह जा रहे ना कि जिस तरह मैं लेके जा रहे हैं, तो आपने सुई को बिल्कुल कपड़े के अंदर लेके जाना है, धागे को ना बाहर निकालना है ना ऊपर निकालना है, ताकि रफ ना लगे, बिल्कुल क्लीन एंड नीट आए। देखिए हर एक पल की मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह आपने भी डबल सिलाई करनी है, और सुई को कपड़े के अंदर से ही गुजारना है, एक साइड पर या दूसरे साइड पर बिल्कुल भी नहीं निकल चाहिए। आप चाहें तो पल्स को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल साइज़ लिए हुए, ना ज़्यादा छोटे पल्स हैं ना ज़्यादा बड़े पल्स हैं। अब देखिए मैंने पल्स लगा ली। अब देखिए कितना खूबसूरत सा सिंपल सा डिज़ाइन लग रहा है। इनके कपड़ों में आप भी मस्त ट्राई कीजिए। आप इस डिज़ाइन को सीनों में भी ट्राई कर सकते हैं, दामन पर भी ट्राई कर सकते हैं, और ट्राउज़र में भी ट्राई कर सकते हैं। चाहे तो आप नेक में भी इसको ट्राई कर सकते हैं।